हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो वास्तु शास्त्र में होती है। जब हम अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट की, जो कि हमारी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, इनकमिंग मनी, हमारी सारी खुशहाली को रूल करता है। अगर हमारे घर में हमारी बोरिंग, हमारा अंडरग्राउंड टैंक अगर गलत आ जाए, सबमर्सिबल गलत आ जाए, तो उसका हमारे जीवन पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट, यानी कि बहुत ही खराब असर पड़ सकता है। घरों में तो हम अक्सर जो है बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक की लोकेशन बहुत ज्यादा सोच समझ कर देते हैं, वास्तु के अनुसार देते हैं, लेकिन आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, आपके इंडस्ट्रीज में भी जो बोरिंग की लोकेशन है या जो अंडरग्राउंड वाटर बॉडी की लोकेशन है, या फिर जैसे कई ऑफिसेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी होता है, उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज यानी कि भूमिगत जो टैंक होते हैं या जो बोरिंग एंड सबमर्सिबल्स होते हैं, उनकी वास्तु के अनुसार सही लोकेशन क्या है। वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप कोई भूमिगत या भूमि के अंदर का टैंक देते हैं या फिर कोई बोरिंग या सबमर्सिबल देते हैं, तो उसकी जो लोकेशन है वो हमेशा नॉर्थ जोन में या फिर नॉर्थ ईस्ट जोन में होनी चाहिए। ये दोनों जोन जो है ये वास्तु के अनुसार वाटर के यानी कि जल के जोन्स हैं, और अगर हम यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज को देते हैं तो इससे हमारे घर में खुशहाली आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, और पैसे का, चाहे वो आपका घर हो या फिर आपका ऑफिस हो, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है। अगर हमको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पर जगह नहीं मिलती है, हम अंडरग्राउंड टैंक वहां नहीं दे पाते हैं, तो एज एन ऑल्टरनेटिव हम इस अंडरग्राउंड टैंक को ईस्ट जोन में भी दे सकते हैं। एंड यही रूल जो है वो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल स्पेसेस के लिए भी अप्लाई करता है। अगर कभी भी हम गलती से अपने बोरिंग को गलत जोन में दे देते हैं तो उसका काफी दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी खुशहाली पर, हमारे ओवरऑल वेलबींग पर पड़ सकता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बोरिंग्स देते वक्त इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि आपका जो टैंक है वो कभी भी डायगोनल लाइंस पे यानी कि ब्रह्मसूत्र या कोण सूत्र पे ना पड़े या कोई भी मर्मा पॉइंट उसके नीचे ना दबे। यहां मैं बताना चाहूंगी कि हालांकि हम ये जानते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक्स को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में देना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी जो लोकेशन होती है वो एक कैलकुलेटेड वे में दी जाती है, जो आपको कोई भी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ बता सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके फैक्ट्री में या आपकी इंडस्ट्री में या फिर आपके घर में पैसे की तंगी आ रही है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने घर की अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज को चेक करें और वास्तु के अनुसार उनको सही दिशा में दें।